व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सब कैसे हैं? और आपका भाई ठीक होके आ गया है दोबारा वापस। और आज हम नई प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जैसे कि आज मेरा एग्ज़ाम है तो मैं उधमपुर वाले रोड पे हूँ अभी इस टाइम। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो पीछे का व्यू देख सकते हैं। सामने त्रिकुटा पर्वत है, माँ वैष्णो देवी सामने आपको दिख रहा होगा, उधमपुर के रोड से भी आपको दिखेगा। और ये मेरे पीछे देवी पिंडी का रास्ता, ये जो ये रास्ता जा रहा है इस तरह से। यहाँ पे हम पिछली बार ही आए थे, तो आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का। तो आपका भाई ओके रिपोर्ट हो गया है, तो आप देख सकते हो ये जम्मू का रास्ता है जो आ रहा है, और यहीं से हम उधमपुर के लिए जाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये उधमपुर का रास्ता है सामने, ये हाईवे। तो जिधर पे भी हम अभी जाएंगे, अभी उधमपुर का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, तो आगे से फ्रेंड मिलेंगे तो उनके साथ कर लेंगे टाई अप। तो मिलते हैं आपको आगे। अभी गाइज आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, अभी हम मनवाल किशनपुर जा रहे हैं। तो आप ये मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, इस टाइप का व्यू होने वाला है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। पीछे कुछ रास्ते में आर्मी एरिया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए रास्ते की। तो रास्ता आपको पता ही चल जाएगा कि इस टाइप का रास्ता होने वाला है यहाँ पे, आप देख ही सकते हो। अभी हम यहाँ से आए हैं, पक्की सड़क है। तो अभी हम आज जा रहे हैं पांडव मंदिर, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और कुछ फ्रेंड हैं उनके साथ में जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे आपको वीडियो में। गाइस अभी हम आ चुके हैं ये मनवाल किशनपुर जगह है इस जगह का नाम, और ये आप रास्ता देख सकते हो। और अभी हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है, और सामने मेरे फ्रेंड्स की वहाँ पे स्कूटी और बाइक लगी हुई है। अभी हम यहाँ से जाएंगे, इस जगह से अभी हमने जाना है। ये रास्ता इस टाइप का होने वाला है, और आप आगे पीछे का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आप मेरे पीछे रास्ता देख रहे हो, अभी हमने इसी रास्ते से जाना है। और जैसा भी यहाँ पे हमें कुछ न्यू एक्सपीरियंस, मतलब कुछ भी न्यू दिखेगा तो हम आपको दिखाएंगे, और ख़ुद को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसी जगह कैसे ट्रैवल होता है और कैसे ट्रैकिंग होती है। तो ये हमारे लिए कुछ नया चैलेंज है, न्यू डेस्टिनी है। तो चलो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो अभी गाइस हमारी डेस्टिनी शुरू हो चुकी है, तो अभी आप देख सकते हैं ये रास्ता होने वाला है ऑफ रोड। बाइक हमने ऊपर पार्क कर दी है, यहाँ से विलेज है, ये एक टाउन छोटा सा। तो यहाँ पे इतना अभी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है कि यहाँ पे रास्ता बनाना चाहिए, और यहाँ पे लोग कम ही आते जाते होंगे। तो आप देख सकते हो व्यू आगे का, सामने पहाड़ और उसके ऊपर बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये व्यू। तो अभी हम चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे जिधर पे हम आज जा रहे हैं। पांडव महल कहते हैं उसको, मंदिर कहते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा। मैं अभी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बहुत टाइम से तमन्ना थी, उसको क्रिमची मंदिर भी कहते हैं। तो चलो मैं भी जा रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ वहाँ पे, तो आप भी मेरे साथ चलिए। ये आप सामने देख सकते हैं झरना चल रहा है, और ये यहाँ का व्यू अमेजिंग है एकदम। और ये रास्ता, रास्ता आप देख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ, इस टाइप का रास्ता है, बिल्कुल फिसलन वाली मिट्टी है। यहाँ पे शायद बाइक आ सकती थी, बट यहाँ पे बुलेट या हैवी बाइक ही आप ला सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं झरना चल रहा है, नीचे आवाज़ आ रही है उसकी मीठी मीठी। और ये आप व्यू देख सकते हो, और ये रास्ता इस टाइप का होने वाला। हमने अपना खाने पीने का सामान सारा पीछे से कैरी कर लिया, क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह पे अपना सामान पूरा अपने पास होना चाहिए। तो अभी आज एग्ज़ाम है तभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसे अदरवाइज़ मुश्किल ही आना था, कोई ज़्यादा प्लान नहीं था। तो अभी जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे,
उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे के फिर अपने घर जम्मू वापस लौट चलेंगे। तो अभी जो भी अच्छा सा व्यू दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्वीट से व्यू के लिए। इतने बड़े पहाड़ के नीचे ये झरना और ये सामने व्यू और ये रास्ता। ये एकदम एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि अगर आप आ गई जो जगह फेमस हो बिल्कुल ज़्यादा, मतलब लोग वहाँ पे ज़्यादा आते जाते हों, वहाँ पे आपको पता है कि रोड आपको पक्की मिलेगी। अब जिधर पे कम आओ जाई होगी तो वहाँ का रास्ता आपको इस टाइप का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना फुटफॉल नहीं है आएगा। अभी कोरोना चल रहा था उस वजह से भी, बट फिर भी ऐसा देखा जाए तो कम ही है यहाँ पे। मुझे लगता है सिर्फ मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। चलो बढ़ते हैं। गाइस मुझे तो लगा था कि बहुत दूर होगा, बहुत दूर चलना पड़ेगा, ये तो 10 मिनट भी नहीं लगे और ये सामने हमारी डेस्टिनी, सामने एकदम अमेजिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या घूमने वाला है, क्या है क्या नहीं, बट आप देख सकते हैं सामने किसी का घर है उस पहाड़ी पे, और ये सामने टावर लगा हुआ है। यहीं पे रास्ता है, इस पहाड़ी के बैक साइड था मेन रोड, ये जो ये पहाड़ी है इसके बैक साइड, और वहाँ से घूमते घूमते वहाँ पे हमने बाइक लगाई है और ये रास्ता है। हार्डली 7-8 मिनट लगे होंगे, और अभी आप ये सामने देख सकते हो। तो गाइस अब मैं आपको एक नॉलेज, मतलब एक एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे रहा है। अभी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, ये गेट है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो पीछे, ये पांडव महल है, क्रिमची मंदिर भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे करना पड़ता है टिकट, यहाँ पर पर्सन की है 20 रुपीज़। ये आपको गूगल पे या पेटीएम से पे करना पड़ेगा। आज तक बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूबर्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है, बट आज तक किसी ने नहीं ये बात बताई कि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती है, ना कि कैश पेमेंट है। जैसे हम बागे वो जाते हैं, किसी भी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है फैसिलिटी, यहाँ पे कैश नहीं लेते हैं। या कुछ होगा लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से, पेटीएम या गूगल पे ऑनलाइन मतलब पे कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वो बना हुआ है बोर्ड, आप देख रहे होंगे पीछे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। बोर्ड में आपको स्कैन करना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी एक और हमारे साथ कपल आया था, कोई ये मतलब मैरिड कपल था, यहाँ पे घूमने आए होंगे, देखने आए होंगे। उनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी, उनके पास छोटा मोबाइल था, तो उनको परेशानी आ रही थी, तो मैं था अभी, चलो मैंने पे कर दिया। मैंने उनको पूछा, भैया अगर आपका भी पेमेंट करना है तो मैं कर देता हूँ, 20 रुपीज़ की एक बंदे की टिकट है, तो जितने भी पर्सन है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा मतलब कि प्रोसेस है। तो आइए चलते हैं अभी हम। अभी ये गेट ये रहा, और ये सामने बोर्ड आप देख सकते हैं, और ये बोर्ड है, ये जो ये बोर्ड है यहाँ पे आपने स्कैन करना है। और ये सामने ऑफिस रहा, यहाँ पे भैया होते हैं, तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि कैश हमें नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हैं कॉशन दिए गए हैं, तो विजिटिंग आर भी बताया हुआ है, और एंट्री फीस भी यहाँ पे बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो आप कभी भी आएँ तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो अभी चलते हैं हम अंदर। जिस मंदिर में मैं आपको दोस्तों लेके आया हूँ, ये क्रिमची मंदिर है, क्रिमची मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये उधमपुर से 10-12 किलोमीटर दूरी पे मनवाल किशनपुर जगह है, वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। तो आइए आज हम इस मंदिर की खासियत जानेंगे। और ये बहुत सदियों साल पुराना मंदिर है, पांडव ने यह मंदिर तैयार किया था पुराने समय में, तो आज भी इसकी किले जैसी दीवारें हैं और किले जैसा मंदिर है ये पूरा, आज भी एज इट इज़ वैसे ही है जैसे पुराने समय में था। और बहुत खुशी मिलती है ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में जहाँ पे कोई नहीं आता हो, जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हो। तो मेरा अपना ये मानना है कि मैं ऐसी प्लेस एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों का सपोर्ट मिले तो ऐसी प्लेस मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं तो अभी हम ट्रैक पर चल पड़े, तो ये सामने मंदिर की शुरुआत यहाँ से होती है, ये आप सामने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपको दिखेगा मंदिर जो सबसे करीब है, स्टेयर्स चढ़ते ये सामने आपको दिखेगा, और ये भी पुराने समय का, ये बताया जाता है कि यहाँ पे शिव जी का लिंग हुआ करता था और यहाँ पे पांडव बैठ के पूजा किया करते थे।
बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पुरानी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ पे देश में हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। और मेरा बचपन से ड्रीम था कि ऐसी जगह पे आऊँ और एक्सप्लोर करूँ, और आप भी मेरे साथ घूमें। मुझे अच्छा लगता है ऐसी जगह पे घूमना फिरना, क्योंकि लोग फॉरेन जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो उनको वैसा सुकून नहीं मिलता है जो ऐसी जगह पे मिलता है सुकून। तो चलिए बढ़ते हैं। ये आप स्टेयर्स देख सकते हैं, ये भी पुराने समय की हैं, ना कि अभी बनी हुई हैं। ये पुराने समय की ऐसी थी। और ये बरांडा आप देख सकते हैं, और ये आप मंदिर देख सकते हैं। ध्यान से मंदिर देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि ये स्वर्ग की धरती है। जम्मू कश्मीर को इसलिए आज भी मंदिरों का शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर ही मंदिर आपको मिलेंगे। और एक खुले आसमान के नीचे ये मंदिर है, आगे पहाड़, पीछे पहाड़, हरी भरी हरियाली, तो आप देख सकते हो। मुझे जैसे हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वैसे हमारे जम्मू कश्मीर को मंदिरों के शहर से जाना जाता है। बहुत खुशी होती है दिल को, मतलब बहुत सुकून सा मिलता है कि हम ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं। और आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे जाऊँ जो आपने नहीं देखी हो, ना मैंने देखी हो, वो मैं आपको दिखाऊं। और आप भी मेरे साथ घूमें जो घर पे बैठे हैं लोग सभी। तो वीडियो को प्लीज़ मेरे शेयर कर दिया करो, आप अच्छा लगेगा। ये वो सब नहीं है कि मतलब कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ या वैसा कुछ, कि लोगों का ख्वाब होता है कि मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ। वैसे मेरा छोटा सा ख्वाब है, बस वो आपके ज़रिए मेरा पूरा होता है। आप मुझे सपोर्ट करते रहें। ये आप देख सकते हो मंदिर, किस तरह का मंदिर है, किस तरह की डिज़ाइनिंग है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप सभी यहाँ पे आएँ, तो आप भी यहाँ पे घूमें, टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छी प्लेस है, मंदिर है, ऐसी जगहों पे आना चाहिए। ये नहीं कि आप थिएटर चले गए, वहाँ चले गए, पिक्चर देख ली, रेस्टोरेंट चले गए। आप जो भी खाने पीने का सामान है यहाँ पे लेके आओ, पैक करवा के लेके आओ, खाओ, आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा, आपको भी सुकून मिलेगा। अभी आपको जैसे पता ही है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो बीमारी का कोई पता नहीं है कब कौन मर जाए, किसी का कोई पता नहीं है, कोई अपनी लाइफ लिखा के नहीं लेके आया। छोटी सी ज़िंदगी है, जियो हंसी खुशी से, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। संडे को आओ आप यहाँ पे, जब आपको टाइम मिलता है आप यहाँ पे आओ। आप मंदिर देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, हज़ारों साल पुराना मंदिर आज ही हमारे जम्मू कश्मीर में है। तो आइए हम आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो अभी यहाँ पे आप हरी भरी घास देख ही रहे होंगे, ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मंदिर के अंदर। तो आप ये तार देख ही सकते हो, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेक ओवर किया हुआ एरिया पूरा। और मंदिर में अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी है एक, उन्होंने मुझे बहुत जानकारी दी है मंदिर की। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा फिर से यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ का पूरा एरिया एक्सप्लोर करूँगा। आप ये मंदिर देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये उस मंदिर जो ऊपर वाला था उससे डिफरेंट है। ये आप चित्रकला देख सकते हो, हज़ारों साल पुराने की, अभी भी चित्रकला वैसी की वैसी है। दीवारें आप देख सकते हो, बिल्कुल अमेजिंग व्यू है, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मतलब डिफरेंट है यार एक्सपीरियंस। मतलब कि यहाँ पे आके ऐसे लग रहा है कि आज भी, मतलब कि ये अभी की तैयार की हुई दीवारें हैं, बट ये हज़ारों साल पुरानी दीवारें हैं, हज़ारों साल पुराने पत्थर हैं। यकीन नहीं होता कि ऐसी जगह भी हमारे जम्मू कश्मीर में है। और ये आप देख सकते हो, ये ऐसे चक्की सी लग रही है मुझे, गोल सी, और ये आप देख सकते हो, मतलब डिफरेंट है। और वो सामने देखो मंदिर, और आप देख सकते हो ये एक और मंदिर है, ये यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। ये पुराने समय में यहाँ पे पांडव पूजा करते होंगे शिव जी की, हर हर महादेव। और देख के मतलब कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है कि आज भी ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में, मतलब रूह खुश हो जाती है ऐसी जगह पे आके, मन बाग बाग हो जाता है। ऐसी जगह मतलब कि हम पैसे दे के भी नहीं हम देख सकते जो आप हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप भी मेरी तरह आइए। ये आप देख सकते हो मंदिर के हाइट और ऊंचा ऊपर आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है व्यू। और ये हरे भरे हरियाली, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये तार लगी हुई है आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ने लगाई हुई है। और ये आप चक्की ऐसे गोल सा देख रहे होंगे, यहाँ पे पता नहीं अभी ये बैठने के लिए था या क्या, किस टाइप का था मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे शायद पुराना कोई, ये आप देख सकते हो मंदिर को दोबारा से। ये आप, तो अभी हम दूसरी तरफ चलेंगे। तो अभी आप ये देख सकते हो वहाँ पे लोगों के खेत भी दिख रहे हैं, लोगों के घर हैं आसपास में, बट बहुत शांति है यहाँ पे। आप ये मंदिर आप दोबारा देख सकते हैं, ये आप आगे पीछे का व्यू देख सकते हो। अभी हम दूसरी तरफ चल रहे हैं, तो
ये भी आप देख सकते हो, ये नीचे से इन्होंने दोबारा से मंदिर का अलग से स्टेप बनाया हुआ है, अलग से पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप में मंदिर बनाए हुए हैं अलग अलग तरह के। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो सामने, ये हनुमान जी का मंदिर है। अंदर हनुमान जी की अभी भी मूर्ति है, शायद पुराने समय में पूजा करते होंगे। और ये मंदिर आप देख सकते हो, पूरा बरामदा इसका, और ये हरियाली। मन कर रहा है यहाँ पे आज रुक जाऊँ, बट यहाँ पे रुक नहीं सकता मैं, मेरा एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आज बहुत किस्मत वाला हूँ कि आज मैं इस धरती पे आया हूँ। अभी गाइस अभी हम जा रहे हैं घर की ओर वापस। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। अभी काफ़ी थक गया हूँ, एग्ज़ाम भी दे लिया है, और वीडियो को एंड करने के लिए यही रास्ता मैंने सोचा। आप देख सकते हो आगे पीछे का व्यू, पीछे पेड़ पौधे। दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे, तो सपोर्ट कर देना।